गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी क्लास फोर्थ जीके चैप्टर 41 थिंक लॉजिकल थिंक राइट। सो स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेक्टली, यानी नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको उनके आंसर देने हैं सही से। राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और जो स्पेस प्रोवाइड किए गए हैं वहां पर हमें राइट आंसर जो है वो लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इफ योर फ्लाइट इज सपोज्ड टू लीव एट 22:45 आवर्स, यानी 22:45 पे आपकी फ्लाइट, आप सपोज करो कि जो है वो लीव होती है, उड़ान भरती है, व्हाट टाइम एट नाइट विल इट लीव, तो नाइट में कौन सा समय होगा जब वो उड़ान भर रही होगी। तो 22:45 दिया हुआ है, यानी 22:45, इट मीन्स ये जो है 24 आवर सिस्टम है, तो 12 आवर सिस्टम करेंगे तो 22 का मतलब होता है 10, रात के 10 और 45, यानी नाइट में 10:45 हो रहे होंगे जिस समय हमारी जो फ्लाइट है वो उड़ान भरेगी, और वैसे 22:45 होंगे, तो एक्चुअल जो टाइम होगा 12 आवर में वो होगा 10:45। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड। If you cut one corner of your handkerchief, यानी जब आप अपनी रुमाल का एक कॉर्नर काट लेते हैं, how many corners are left, तो कितने कॉर्नर बचेंगे, तो लॉजिकल सोचना है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है कि रुमाल जो होती है हमारी हैंकरचीफ उसमें 4 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर को काट दिया तो 3 कॉर्नर बचे, नहीं, आपको लॉजिकल सोचना है कि जब एक रुमाल होती है उसमें 4 कॉर्नर होते हैं, लेकिन जब हम उसके एक कॉर्नर को काटेंगे तो जब एक कॉर्नर को काटा जाएगा तो उस जगह पर 2 कॉर्नर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी 2 कॉर्नर बन जाएंगे, एक कॉर्नर को काटोगे तो 2 कॉर्नर बन जाएंगे और 3 कॉर्नर पहले से थे, इट मींस कितने कॉर्नर हो जाएंगे, 5 कॉर्नर हो जाएंगे, 5 कॉर्नर्स। मैं वापस समझाता हूँ आपको कि एक हैंकरचीफ जो होती है, रुमाल होती है, उसमें 4 कॉर्नर होते हैं, और जब एक कॉर्नर को काट लिया जाता है तो उसको काटने से वहां पर 2 कॉर्नर और बन जाएंगे, तो एक कॉर्नर को काटने से वहां पर कितने कॉर्नर हो गए, 2, ठीक है, 2 हो गए, और 3 पहले से थे, इट मीन्स 5 कॉर्नर हो गए। फिर 3 नंबर है, विच 2 कलर्स Should you mix to make green color? Green color आपको बनाना है, तो उसके लिए आप कौन से 2 कलर को मिक्स करोगे, ग्रीन कलर बनाने के लिए कौन से 2 कलर मिक्स करोगे, तो आप लोग जानते हो, वरना मैं बता देता हूँ कि येलो और ब्लू कलर को जब मिक्स किया जाता है तो ग्रीन कलर बन जाता है, येलो एंड ब्लू, येलो और ब्लू कलर को मिक्स किया जाएगा तो वहां पर ग्रीन कलर बन जाएगा। नेक्स्ट है, देर आर 4 फिश इन ए बकेट, एक बकेट जो होती है उसमें 4 फिश हैं, 1 फिश डाइज, एक फिश जो है वो मर जाती है उनमें से, नाउ हाउ मैनी फिश रिमेन इन द बकेट, तो कितनी फिश बचेंगी उसके अंदर, बकेट के अंदर, तो आपको डायरेक्टली आंसर नहीं देना है फटाक से कि 4 फिश थी और 1 डाई हो गई, इट मीन्स 3 फिश, नहीं, क्वेश्चन को लॉजिकली आंसर देना है, क्लियरली डिटेल में इसको समझना है कि देर आर 4 फिश इन ए बकेट, बकेट में 4 फिश हैं, 1 फिश डाई, एक फिश मर गई, हाउ मैनी फिश रिमेन इन द बकेट, बकेट में कितनी बची, तो बकेट में अभी भी 4 फिश ही हैं, ठीक है, हमें ये नहीं कहा है कि जिंदा फिश कितनी है, हमें ये बोला कि बकेट में कितनी फिश बची, इट मीन्स बकेट में पहले से 4 थी, एक डाई हो गई, लेकिन वो है अभी भी बकेट में, इट मीन्स 4 फिश थी और 4 फिश ही उसके अंदर अभी हैं, तो आंसर होगा 4 फिश। क्वेश्चन 5 है, व्हाट गेट्स वेटर टू मोर इट ड्राइज, कौन सी ऐसी चीज है जो गेट वेटर्स वेटर, यानी जो गीली होती जाती है जैसे ही उससे कोई चीज हम सुखाते हैं, ठीक है ना, मोर इट ड्राइज, जैसे सुखाया जाएगा वैसे वो गीली होती जाएगी, तो वो होता है टॉवल। ओके, टॉवल जो होता है वो गीला होता जाएगा जैसे ही हम उसे सुखाते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट, यू हैव ए रोल ऑफ 10 मीटर
ब्राउन पेपर, आपके पास 10 मीटर ब्राउन पेपर का एक रोल है, हाउ मेनी टाइम्स विल यू कट द रोल, आप कितने टाइम उस रोल को काटोगे टू मेक 10 पीसेस ऑफ 1 मीटर ईच, कि आप यानी 10 मीटर का ब्राउन पेपर है, आप उसे कितने टाइम उस रोल को, आप उस पेपर के रोल को काटोगे कि उसके 1 मीटर के 10 पीस हो जाए, यानी 1 पीस जो है वो 1 मीटर का हो जाए, ऐसे 10 पीस बनानी है 10 मीटर ब्राउन पेपर के रोल के, तो कितने टाइम आप उसे काटेंगे, तो हम उसे 9 टाइम काटेंगे, 9 टाइम्स, बिकॉज जब 9 टाइम लास्ट 9 टाइम पे काटेंगे 9th पे, तो एक 10th तो ऑटोमेटिक जो है वो पार्ट अलग हो जाएगा, तो 10 मीटर रोल है एक ब्राउन पेपर का, उसके 10 पार्ट बनाने हैं आपको, तो उसे 9 टाइम आपको कट करना होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा लेसन 41 कंप्लीट होता है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, सो वॉच दिस वीडियो एंड डू दिस चैप्टर, रीड दिस चैप्टर एंड डू बुक पार्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।